हेलो एवरीवन, आज मैं आपको भेड़िया की कहानी मेरी जुबानी सुनाऊंगा और वो पल जो कि मैंने जिए हैं लेकिन आप सब लोगों को नहीं पता। काफ़ी सुनहरी यादें हैं। हाँ, थोड़ा शब्दों का चयन करने मुश्किल होती है। बहुत सुनहरी यादें हैं, बहुत अच्छा टाइम बिताया हमने। अभी कल मैं डिस्कस कर रहा था बालती से कि एक गाना था जो मैं हमारे पास एक लड़का था, कैलीग्राफी करता था, सूर्यप्रकाश, उसको वो गाना बहुत पसंद था और बहुत गाना वो गाता था। तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो बंगाली है, मोस्ट प्रोबब्ली कलकत्ता हो सकता है। एंड मेरे लिए तो वो एक समय जो था वो सुनहरी समय था। उस वक्त में मैंने जो काम किया या जो चीज़ें मैंने सीखी या जो चीज़ें मैंने करी वो रिमार्केबल थी। मतलब आज तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा या मैं ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन मेरा एक विश्वास था कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा करना है जो कि एक लैंडमार्क बने या एक इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ मैं करके जाऊँ जिससे कि लोग मेरे को पहचानें, मुझे जाने। एक बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, बहुत सिंपल सा इंसान हूँ, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने की इच्छा रखता हूँ और जो मैं करता रहता हूँ सारे टाइम। मैं 2021 में 30 साल कंप्लीट करने जा रहा हूँ एज कॉमिक बुक पेंसिलर, आर्टिस्ट, पेंटर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने 2014 में पेंटिंग स्टार्ट की, बट एज ए कॉमिक बुक आर्टिस्ट मैं 1991 से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। मैंने 4 कॉमिक्स बनाई थी, एक छोटा सा पब्लिकेशन था, उसमें कैलीग्राफी, मैनुअल कलर्स यानी कि फ़ोटो कापी होती थी, कलर्स होते थे उस पर, पेंसिलिंग, वो सब मैंने किया था। और ऐसा नहीं मेरे को पैसे मिले, कुछ रह गए वो चलो ठीक है, इट्स ऑल राइट, क्योंकि वो जो एक पैशन था, वो जो उस वक्त में उसको करने का एक फील था, वो मैं नहीं भूल सकता। मैं रात को 1:30-2 बजे तक काम करता था, सवेरे जल्दी उठ जाता था 7-8 बजे। मतलब अगर सोफे पे काम कर रहा हूँ सोफे पे सो गया, कहीं पे भी। मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मेरे को एक सर्टेन स्पेस चाहिए, सर्टेन आर्टिस्ट टेबल चाहिए। जैसे आज की डेट में तुम देख रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है, बट उस वक्त में मेरे पास इतना कुछ नहीं था। तो वो टाइम जो था वो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जो मैं पहली बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो 4 कॉमिक्स आज तक पब्लिश नहीं हुई, लेकिन वो 4 कॉमिक्स मेरे लाइफ में बहुत कुछ रखती हैं, क्योंकि उन 4 कॉमिक्स ने मेरे को वो चीज़ें दी जो शायद मैं नहीं सोच सकता हूँ कि मेरे लाइफ में होती। तो हम शुरुआत करते हैं कि भेड़िया मेरे लिए एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मेरे लिए भेड़िया एक ऐसी, एक मेरे जहन में ऐसी याद है जो कभी बाहर नहीं आ सकती। मेरे को अच्छे से याद है कि दिसंबर 93 में मेरे पास संजय जी ने एक व्यक्ति को भेजा था, आई नो हिज नेम, मिस्टर झा। वो फिर उसके बाद हमेशा आते थे, एक थैला लिए राज कॉमिक्स का, उसमें स्क्रिप्ट्स होती थी या मेरे से आर्ट वर्क लेना होता था तो आर्ट वर्क लेके चले जाते थे। आते थे, धीरज जी चाय पीनी है, मैडम लंच करना है, तो वो सब लंच भी करते थे। फिर अच्छा मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, अच्छा ठीक है बैठ जाओ, तो इस तरीके से प्रोसेस था। बहुत अच्छा लगता था वो सब चीज़ें। या मेरे पास जितने भी लोग काम करते थे, सूर्यप्रकाश था और भी बहुत सारे थे बिगनिंग में, कैलीग्राफी करने वाले लोग और मैनुअल कलर्स करने वाले लोग सब चले गए, राजेंद्र धोनी, संजय, अब सब अपने अपने जगह फिक्स हो गए, अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है, सब लोग सेटल्ड है। मेरे लिए तो एक मेरा ड्रीम था जो मैं बचपन से करना चाहता था, क्योंकि मैंने फैंटम इतना पढ़ा 1983 से, मेरे फर्स्ट कॉमिक्स थी दलदल का दाना, जिसको मेरे को पढ़ के जोश आ गया कि नहीं मेरे को भी ऐसा कुछ बनाना है। हाँ, शायद हो भी सकता है कि फैंटम की वजह से मैं बहुत हद तक कनेक्ट था वाइल्ड लाइफ से, और मेरे को जानवरों से, पक्षियों से शुरू से बहुत प्यार रहा। मैंने काफ़ी पैरट्स एंड पिजन्स रखे अपने पास। तो ये जर्नी एक 30 साल के उसमें आ रही है, मतलब 3 decades, मैंने 3 दशक कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो अच्छा लगता है कि मतलब मैं, मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए, मैं काफ़ी कुछ देखने का मौका मिला, लेकिन जो उसमें माइलस्टोन्स हैं वो बहुत कम हैं, जिसमें भेड़िया एक ऐसा माइलस्टोन है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। शायद
जब तक मैं हूँ तब तक भेड़िया रहेगा, उसके बाद भी रहेगा डेफिनेटली। भेड़िया को मेरे को नहीं पता कैसे कि मेरे जहन में आया, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई परशुराम शर्मा जी की, तो उन्होंने भेड़िया को एक डाकू के उसमें रूप में पेश किया था, लेकिन सिर्फ नाम भेड़िया होना और उसको एक डाकू दिखाना मेरे को लगा कि ये सही नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है स्क्रिप्ट के साथ। मैंने संजय जी को एडवाइस किया कि संजय जी मेरे को ये करेक्टर एक बहुत पोटेंशियल नज़र आ रही है और मैं काफ़ी अच्छा और उसको बेहतरीन बना सकता हूँ, आप अगर मेरे को इजाज़त दें तो मैं उसको काम करता हूँ। मैंने भेड़िया पे काम करना शुरू किया और अर्ली स्केचेस जो थे भेड़िया के करके संजय जी को दिखाए, उन्हें बहुत पसंद आए और अप्रूवल हो गया, भेड़िया बढ़ना चालू हुआ। तो छोटा बच्चा जो मैंने इंट्रोड्यूस किया पहली कॉमिक्स के अंदर, कि आज तक कोई बच्चा विलेन नहीं आया था, फिर उस स्टोरी को लिखना कि वो कैसे है, इतने साल पुराना है एंड सारी चीज़ें, मतलब धीरे 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 चलती चली गई। फिर उसके ओरिजिन पे काम करने का मौका मिला, वुल्फा या वुल्फानो, वो एक तरीके से बोलो कि वो इट वाज लाइक मेरे को उसको इस्टेब्लिश करना था इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, कि वो देखने में लगे या पढ़ने में लगे कि हाँ ये हमारे साथ ऐसा कुछ घटा होगा या हमारे साथ रहा होगा, तभी आप उसको जान पाएंगे कि नहीं, आप फील कर पाएंगे आई मीन टू से। तो लोगों ने फील किया, जिस तरीके के कमेंट्स मेरे पास आते हैं मुझे अच्छा लगता है, कि कहते हैं कि नहीं सर आपने हमारा बचपन जो है वो उन परिकथाओं उन इमेजिनेशन के साथ भर दिया जो कि हम सोच नहीं सकते, लेजी या और कायगुला तिलंगे जिस जो भी स्क्रिप्ट थी, प्लस जिस तरह की कहानी मैंने लिखी वो मैंने सोची, मैंने खुद बनाई। हाँ इसमें संजय का बहुत बड़ा हाथ है, उसने काफ़ी आइडिया सोच सोच के आता था, फिर हम बैठ के उसको डेवलप करते थे, गाने गाते थे और डेवलप करते थे आइडिया और कलर करते थे, मज़ा आता था, पूरी टीम बैठी होती थी। एंड भेड़िया के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि सिंगल भेड़िया अभी भी अच्छा है। हाँ भाई जी ने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, 12% कर दिया कोबियन भेड़िया, वो अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है करेक्टर के साथ, लेकिन क्या है कि जो ओरिजिनलिटी होती है जिस करेक्टर को हमने जिस हिसाब के साथ या जिस पर्सोना के साथ उसको प्रेजेंट किया, तो वो उस पर्सोना में डेवलप हो जाता है। जब वो डेवलप हो जाता है तो उसको फिर कहीं और मोल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उससे बेटर है हम जिस तरीके से जैसे हमने स्टार्ट किया था उसको वैसे ही बना के रखें, वैसे ही चला करें, तो काफ़ी अच्छा चलता है और चला भी ऑब्वियस है। भेड़िया जब शुरू हुआ था तो मैंने सोचा नहीं था कि एक टाइम आएगा कि भेड़िया टॉप मोस्ट करेक्टर्स में आके खड़ा हो जाएगा, और मैं जहाँ जहाँ गया, बहुत सारी ऐसी जगह गया कॉमिक बुक शॉप्स पे जब या किसी फंक्शन में, तो लोगों ने बड़े अच्छे से मेरे को वेलकम किया, क्योंकि मैंने एक ऐसे करेक्टर को क्रिएट किया था जो कि ना दिखने में सुंदर था, ना ही क्या कहते हैं कोई चॉकलेटी हीरो था, ना ही वो कपड़े पहनता था, उसके कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल अलग थे, उसका हीलिंग पावर के लिए जो मैंने ऑर्नामेंट सोचे वो बिल्कुल अलग थे, और हाँ मेन चीज़ जिनसे मैं इंस्पायर्ड हनुमान जी, तो उनकी टेल जो है वो मैंने उनसे ली थी भेड़िया की, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ पड़ती है, तो यहाँ आने में भेड़िया का मैंने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो भेड़िया के लिए, तो भेड़िया अपने आप में एक अच्छा कैरेक्टर बन जाएगा। आई थिंक वो वर्क किया, प्लस गदा जब वो हे भेड़िया देता मदद, तो गदा उसके हाथ में आती है, उसको मैंने हर बार एक नई तरीके से प्रेजेंट करना है ये सोचा कैसे उसको मैं दिखा सकता हूँ। तो मैंने, अगर तुम सब लोगों ने कॉमिक पढ़ी है तो देखोगे कि हर बार एक नए तरीके से गदा उसके हाथ में आती है, तो वो मैं हर बार सोचता था स्टाइल अच्छा होना चाहिए। दूसरा मेन खुशी जब हमने भेड़िया और गोभी का डिजिटल वर्जन निकाला था, फैक्स दिए थे फर्स्ट टाइम, तो जो हम सोचते थे या जो हम देखते थे उनको हमने कंप्यूटर के ऊपर एक्चुअली में परफॉर्म किया या उसको दिखाया, कि अगर एक पानी है तो अब उतना सब कुछ याद नहीं है, 30 साल होने जा रहे हैं, लेकिन एक पानी है, पानी का रिफ्लेक्शन कैसे आएगा या कोई करेक्टर है वो खड़ा है। मैंने शायद पीछे भी फेसबुक पर पोस्ट किया था कि उस वक्त का काम और आज का काम बहुत डिफरेंस आ गया, बट यस इट्स रियली नाइस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैंने ऐसा कुछ काम किया कि आज
लोग उसके लिए मेरे काम को सराहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और 10 साल मीडिया पे कंटिन्यू वर्क करना, 10 साल के करीब मैंने काम किया। फिर 2-3 साल मैंने, 3 साल मैंने गेमिंग में बिताए। शायद आपको नहीं पता होगा, मैं एज ए सीनियर गेम विजुलाइजर वर्क किया मैंने एस्कोर्ट की कंपनी डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एक गेम बनाए थे कॉल। वो टाइम अच्छा था, उसमें बहुत कुछ सीखा, काफ़ी अच्छे लोग दोस्त बने जो आज भी साथ में हैं, अच्छा लगता है उनके साथ रहना। प्लस तभी मेरे जो ड्रीम था कि नहीं, मेरे को ड्रीम तो खैर बहुत पुराना था, 1993 से मैं डीसी में और मार्वल में सबमिशंस भेज रहा हूँ। टचवुड आई गॉट एन अप्रूवल फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स, ओके आई कैन वर्क। बट उससे पहले मेरे को अपने आप को पॉलिश करना था, तो मैंने एविटार प्रेस है उनके साथ टाइप किया 1 साल के लिए। जॉम्बिस के ऊपर काम किया, एक बिल्कुल नई चीज़ थी, नया सब कुछ था। जॉम्बिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, नहीं पता था मेरे को, अच्छे से याद है। मैंने जब एक जॉम्बी का कवर किया तो उसे मैंने दिखाया कि जॉम्बिस बाइक लेके मार रहे हैं, मतलब एक ह्यूमंस को, तो वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जॉम्बिस जस्ट, उनके पास ब्रेन नहीं होता है, वो सिर्फ एक स्मेल के उस पर बढ़ते हैं, खून की जो खुशबू आती है उससे आगे चलते हैं और वो खाते हैं इंसानों को। वो फिर मेरे को विलियम ने बोला कि नहीं धीरज, इस तरीके से नहीं होता है, तो उसने मेरे को पूरा एक गाइडलाइन दी ऐसे काम होता है। तो फिर उसको मेरा काम बहुत पसंद आया, फिर उसने मेरे साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया। 2004 में आई थिंक मैंने काम स्टार्ट किया था एविटार के साथ, एंड 2011 तक मैंने उनके साथ काम किया, 6 साल, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अच्छा लगा उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि एलन मूर आई थिंक वन ऑफ द लेजेंड राइटर हैं, उनके साथ काम करना इट्सल्फ अचीवमेंट। और जॉर्ज रैमरो, बहुत सारे राइटर थे, काफ़ी अच्छे अच्छे राइटर थे, मज़ा आया, फन आया। कॉमिक कॉन से अटेंड किए US के अंदर जाके, सैन डिएगो कॉमिक कॉन। यस, इस बार का कॉमिक कॉन कैंसिल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, बट यस वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कि मतलब एक प्राउड था कि वहाँ पे लोग आपको एंटरटेन कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। माय पब्लिशर, उन्होंने मेरे को मैनेजर अपॉइंट कर रखा था, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये आपके साथ रहेगा, मेरा लॉजिंग, मेरा ये वो, हर एक चीज़ वो देख रहे थे। तो बड़ा एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, टेबल मिल रहा था, मैं अच्छा वो सब आपके लिए पोस्ट करूँगा, पोस्ट करता रहता हूँ, अभी फिर दोबारा से पोस्ट करूँगा। तो एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, अच्छा लगता था यार कि चलो यार हम एक दूसरी दुनिया में हैं, मतलब वो दुनिया जो हम यहाँ सिर्फ सोचते हैं, यहाँ के कॉमिक कॉन में हमें वो फील नहीं आती जो कॉमिक कॉन में वहाँ पे फील आती है। वहाँ आपके लिए लोग, क्योंकि मैं इतने साल से काम कर रहा था तो लोग आपसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं कि मेरा आर्टिस्ट है वो आ रहा है तो वो मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को कमीशन पे लेना है, मेरे को ऑटोग्राफ कराने हैं, या ऑन द स्पॉट वो चाहता है कि मेरे को वर्क करे। तो मैं अभी कुछ फोटोग्राफ देख रहा था तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा पक्का। कुछ लोग आते थे, कुछ नहीं बहुत लोग आते थे कि सर प्लीज़ मेरा फेस मुझे जॉम्बी बना दो तो अच्छा लगता था, उनको बनाया और वो बहुत खुश हुए। तो कॉमिक कॉन में एक वो वाला फीलिंग आता है कि आप डायरेक्टली मिलते हो अपने फैंस के साथ, और वो जो आपको फीडबैक देते हैं, जो वो आपको एनकरेज करते हैं आगे अच्छा काम करने के लिए, तो वो एक अलग सी फीलिंग होती है, डिफरेंट सी फीलिंग, यू नो। तो वो फीलिंग भी आई धीरे धीरे करके, फिर और मैच्योरनेस आई वर्क में कि नहीं इंटरनेशनल वर्क करना है, अच्छे उस पर काम करना है तो क्या करना चाहिए। लोगों ने अप्रिशिएट किया, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आपको इंटरनेशनली कुछ अप्रिशिएशन मिले तो वो एक उसकी फीलिंग, वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो जब कॉमिक कॉन में जाता था, हर कंपनी के एडिटर्स, ऑनर्स, पब्लिशर्स होते थे, तो वो जब आपके काम को अप्रिशिएट करते थे, वो अच्छा लगता था कि यार एक वो डर सा जो था वो निकल गया कि नहीं यार ये लोग जो काम अच्छा करते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, वो ऐसे नहीं है। और जो एक फियर था यार कि वो जो लोग काम करते हैं हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बताया कि यार तुम हमसे अच्छा काम करते, तो वो और अच्छा लगा यार कि यार जोश बढ़ गया, यार भाई करना है अभी काम, ये तो नहीं छोड़ सकते।
तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर डायनामाइट एंटरटेनमेंट उनके साथ मैंने, अभी आज मैं बुक देख रहा था कंप्लीट ड्रैकुला, उसके ऊपर काम किया। तो ड्रैकुला ऑलवेज बिग थिंग, अच्छा लगा। डायनामाइट के बाद हाँ मेन चीज ट्रांसफॉर्मर्स, अगेन अ लैंडमार्क फॉर मी। एंड ट्रांसफॉर्मर से काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा चैलेंज था, कि क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी तो हम जानते हैं, बट एक मैकेनिकल एनाटॉमी इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इजीली कर सको। तो उस पर काम करना इज़ लाइक एक छोटी से थोड़ी लेके और एक बहुत बड़े पहाड़ को बोल दे काट तोड़ो। तो बड़ा मुश्किल है यार, लगे रहोगे नहीं तोड़ पाओगे। तो बेस्ट है कि आप उस पहले समझ लो, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे तोड़ना है। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, जो मेरे पास स्टाइल गाइड्स आई सब था, हेल्थ प्रो का नाम था, IDW का नाम था। तो जो स्टाइल गाइड्स आई उनको अच्छे से फॉलो किया, अच्छे से उनको प्रैक्टिस की, फिर मैंने ट्रांसफॉर्मर्स काम किया। और टचवुड, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली फॉल ऑफ साइबरट्रॉन, एक गेम था जो लॉन्च हो रहा था 21 अगस्त को 2012 में। तो उसके साथ वो मेरे को कॉमिक डिलीवर करनी थी, आई थिंक 8 इश्यूज थे, ऑनलाइन सीधा डायरेक्ट कॉमिक्स लॉजी पे आ रहे थे। तो मैंने काम किया, उनको डिलीवर किया और टचवुड टाइमली हो गया सब कुछ। बहुत अप्रिसिएशन मिला कॉमिक्स लॉजी पे, बाद में उसकी हार्ड कॉपी आई, अच्छा लगा काम देख के। और वो भी उस पर, जो कि मतलब हम ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी थी लेकिन उस पर ऐसा कुछ काम करेंगे या ट्रांसफॉर्मर्स बनाएंगे वो नहीं सोचा था। तो वो एक मज़ेदार फील आया। यस अगेन उसके बाद आई नो ब्रायन, जब वो ब्रायन और मैं हम एवटर प्रेस में थे, तो तभी से ब्रायन इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ही ऑफर्ड मी टू वर्क ऑन लीडर, मेरे को अच्छा लगा कि नहीं लीडर एक अच्छा करेक्टर है। मेरी वीकनेस है कि मैं फीमेल्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो बना बना के यार पता नहीं कहाँ मैं हार्ड हो गया। तो मैंने कहा चलो चैलेंज लेते हैं। फिर भेड़िया की सीरीज मैंने करी, सॉरी लेडी डेथ की सीरीज करी, कम से कम 14 इश्यूज मैंने किए। बहुत अच्छा किया ऋषियों ने, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। फिर अगेन मैंने कॉमिक कौन से पेन किए, फिनिक्स जो कि लेडी डेथ का बर्थ प्लेस है, वहाँ कॉमिक कौन में गया। फिनिक्स में तो जस्ट लाइक मैं उनके घर में बैठ के वहाँ अप्रिशिएशन ले रहा था कि मेरे काम के लिए नॉट फीमेल्स एवरीवन, हर कोई तारीफ कर रहा था कि लेडी डेथ बहुत अच्छी थी। लेडी डेथ को मैंने 3-4 साल दिए रेगुलर, 14 इशू बनाना, इट्स नॉट ए सिंगल मीन्स डिफिकल्ट है। तो अच्छी जर्नी है डेफिनेटली, एक बड़ा लैंडमार्क है मेरे लिए अपने आप में। मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि उसको मैंने एंजॉय किया 14 इशू से, 12 से 14 इशू पे काम करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। क्योंकि आप 1 साल से ज़्यादा काम कर लेते हो किसी करेक्टर पे, तो आप उसको एक तरीके से फील करने, महसूस करने लगते हो। तो इस तरीके के लिए मेरे था। लेकिन हाँ अभी हम बहुत सारी चीज़ों का बात कर रहे हैं, सिर्फ भेड़िया और लेडी थे तो ट्रांसफॉर्मर्स नहीं थे, कुछ ऐसे भी करेक्टर हैं जो आई थिंक 1992, आपको सबको पता होगा कि एक मेरे लिए बोले तो कि मैंने पवन पे गया, 4 कॉमिक्स बना के दी, परंपरा पे गया, दिव्यास्त्रों का राजा अजू है बना के दी, उन्होंने छापी नहीं, प्रिंट नहीं किया। या मेरे पापा जो, क्यों, क्योंकि मैं 1 महीने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया था कि नहीं मेरे को कॉमिक बनानी है, तो वो मेरे पीछे पड़े थे कि यार ये लड़का पता नहीं क्या करेगा। लेकिन हाँ एक छोटे, सबसे छोटा होने का एडवांटेज होती है, तो उसमें बच गया कि भाई इतने सारे लोग थे बड़े मेरे सिबलिंग्स, तो कि यार करना तो है, कर लूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। कॉमिक बनानी थी, करनी थी, तो मैंने फिर क्या प्लान कर लिया, अपने मन में बांध लिया कि नहीं यार कॉमिक प्रिंट करवानी है चाहे कुछ भी जाए। 91 से काम कर रहा था, 92 आ गया नहीं बनी, तो मैं फोर्ड कॉमिक्स पे गया। मैंने उनको पहले अपनी शर्त ये रखी मिस्टर अजय गुप्ता को और मिस्टर विनय थे वहाँ पे मैनेजर, कि भाई मेरी कॉमिक छपनी चाहिए तो मैं काम करूँ, तो नहीं काम करूँ। लेकिन काम अच्छा था, उन्होंने मेरे को काम दिया कि आप काम कीजिए, हम आपके कॉमिक्स छापेंगे, 2 महीने में कॉमिक छपेगी। तो उन्होंने मेरे को जंगारू करेक्टर दिया अपना, जो उनका फ्लैगशिप करेक्टर था, उसमें मैंने काम शुरू किया, जंगारू बनाया और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। फेब 93 में आई थिंक जंगारू प्रिंट हुआ था, उसका अप्रिशिएशन था ये कि मेरे को रास्ते ऑफर आई, उन्होंने भेड़िया पे काम करने के लिए मेरे को वो दिया।
जंगारू, भेड़िया, फिर जब मैंने एविटार ज्वाइन किया, एविटार में एस्केप ऑफ द लिविंग डेड मेरी सीरीज थी, काफ़ी अच्छी सीरीज थी। एक और था नाइटमेयर ऑफ फिल्म स्ट्रीट फ्रेडी, वो भी मेरे लिए कॉमिक के आई थिंक 2 या 3 इशू किए थे, लेकिन अच्छा लगा उस पर भी काम करना, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी मूवी है, काफ़ी अच्छी हॉरर मूवी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। मैंने उन पर काम किया, काफ़ी काम किया, वो भी शेयर करूँगा आपके साथ धीरे धीरे। अभी लंबा लॉकडाउन है तो हमारे पास एडवांटेज है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप अपनी कॉमिक्स पढ़िए, बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ोगे मेरे को ये लगता है कि जितना हम घुसते हैं कॉमिक्स के अंदर उतना हमें हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। और ये तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मतलब एक इस काइंड ऑफ इवेंट मैं 3 दशक कंप्लीट कर रहा हूँ, 3 डिकेड्स कंप्लीट कर रहा हूँ और 30 साल होने जा रहे हैं। तो 30 साल एक छोटा टाइम नहीं होता, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है और अभी मेरी भूख उतनी ही है, मैं अभी भी भूखा हूँ अच्छा काम करने के लिए, अच्छा कुछ लिखने के लिए। भेड़िया की जितनी स्क्रिप्ट लिखी सब सोल्ड आउट हैं, सब उस वक्त में कुछ नहीं बचा, रीप्रिंट्स हुए और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो भी मैंने लिखा वो सब बिका, क्योंकि एक्चुअली मेरे को लगता है कि रीडर चाहता है कि उसे कुछ नया मिले, कुछ अच्छा मिले, तो वो मैं हमेशा देने की इच्छा रखता हूँ। अब जैसे 30 साल हो रहे हैं तो भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेके आऊँगा और करता रहता हूँ। लेडी डेथ के बाद मेरे को एक ऐसे करेक्टर पे काम करने का मौका मिला जो आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबका ड्रीम रहता है उस पर काम करना है, कॉनन। 1932 में उसका पहला कॉमिक स्ट्रिप आया था, लेकिन इट्स माय बैड लक कि जब मैंने डार्क हॉर्स में कॉनन के लिए ज्वाइन किया तो वो लास्ट इशू था, आर्टिस्ट के डिले की वजह से मेरे को वो आ गया था। मेरे को पूरा श्योर था कि मैं अगले सीरीज पे काम कर रहा हूँ कॉनन की, लेकिन क्योंकि कॉनन का जो लाइसेंस था वो डार्क हॉर्स से मार्वल पे मूव किया, तो इट्स माय बैड लक, लेकिन एक इशू पे काम किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैंने उसको किया और लोगों ने उसे ही पसंद किया। कॉनन के बाद 2018 में आई वॉज इन कोरिया, तो पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए गया था। मेरे एक एडिटर हैं स्कॉट, वो भी डार्क हॉर्स है, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि धीरज एक प्रोजेक्ट है एडिडस मार्वल एंड NBA, जो एंड गेम मूवी आई थी उस पर हीरा मंगा से एक पूरा कैंपेन था, एड कैंपेन, उसके लिए काम करना था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक अलग सा प्रोजेक्ट था जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, तो मैंने उस पर काम किया। मैंने काम शुरू किया, कैंडिस पार्कर, डेमियन लिलर्ड, जेम्स हार्डन, क्रिस्टोफ्स और जॉन वॉल, मतलब NBA के बड़े बड़े प्लेयर्स इनके लिए, और उन लोगों ने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। डेमियन ने पर्सनल, कैंडिस ने बहुत पर्सनली मेरे काम को अप्रिशिएट किया। 11 मार्च को मैंने काम ख़त्म करके देना था 2019, लेकिन मैंने 2 दिन पहले 9 मार्च को काम ख़त्म करके दिया। वो मेरे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट था, या अपने आप में एक दिली खुशी थी कि मैंने इस काम को समय से पहले ख़त्म करके दिया, बहुत प्रोफेशनली। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। उस काम का ये था कि दिल्ली, मुंबई, इंडिया में सब जगह जहाँ जहाँ से मेरे फैंस हैं, इटली, ब्राज़ील, सब ने बताया कि हमने आपका काम देखा है एडिडास के शोरूम्स में। और सबसे बड़ा था कि जो टाइम्स स्क्वायर का शोरूम है वहाँ पे मेरा काम डिस्प्ले था एडिडास के शोरूम पे। अभी मैं जब न्यूयॉर्क में था वहाँ घूम के आया, इस वक्त में तो नहीं लगा था, बट उन्होंने डिस्प्ले किया था, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से वेलकम किया क्योंकि मैंने इस पर काम किया था, अच्छा लगा। ये वाला काम किया, स्पेल वॉरियर्स पे काम कर रहा हूँ, गुड प्रॉपर्टीज, बट यहीं नहीं रुकने वाला, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी मैं आपको कुछ ज़्यादा चाहिए बताऊँगा नहीं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो शायद इतना जो 30 साल मैंने एक्सपीरियंस गेन करा है, जो 30 साल में मैंने कुछ सोचा, तो उसका निचोड़ भी हो सकता है, आप लोग पसंद करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई ट्रेड कब ख़त्म होता है, जब उसके चाहने वाले यानी कि आप लोग ख़त्म कर देते हैं उसको। और वो कैसे है? जैसे कि अब आप सोचो, एक गाय ने दूध देना है, वो दूध दे और आप नहीं पियो, तो क्या होगा? गाय तो दूध देगी लेकिन वो दूध बिगाड़ जाएगा। तो बेस्ट है कि अगर कोई एफर्ट करता है किसी चीज़ के लिए तो आप उसको सपोर्ट करो। नाउ
आज की डेट में हम कैपेबल हैं, सक्षम हैं कि हम वो चीज़ को कर सकें। मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि ये सब जो क्राइसिस चल रहे हैं, सारे कॉमिक बुक स्टोर्स बंद हो गए। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जो यूएस का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया। सेफ्टी सबको ज़रूरी है। तो अभी मैंने अपने दो आर्टवर्क बनाए थे वो सेल पे लगाए, जिससे कि जो पैसा आए वो BINC को जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिम ली और ब्रायन माइकल बेंडिस वगैरह सब ने, मेरे को भी ऑफर आया काम करने के, मैंने भी काम किया उस पर। तो और भी मैं करूँगा, जिससे कि एटलीस्ट इन लोगों को पैसा जाए। मैं पर्सनली बहुत सारे कॉमिक बुक स्टोर्स को जानता हूँ, आज वो बोलते हैं कि सर हमारे पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। तो या इट्स अ वेरी हार्ड टाइम फॉर एवरीवन। हम लोग क्या हैं, हम लोग क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। तो अगर हम जो चीज़ सोचते हैं वो उसको बना सकते हैं, वो उसको आगे चलाना वो आपके हाथ, आप लोगों के हाथ में। आप पायरेसी नहीं कीजिए, कहीं से कॉमिक डाउनलोड मत करें, उसको जहाँ से मिलता है वहाँ से पढ़ें। मेरे को पता है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट क्या है कि उससे एक जो क्रिएटर को एक खुशी मिलती है, जो एक जोश मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो अल्टीमेट होता है। जब आप लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं, जब आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अपने आप में एक जो अनुभव होता है वो अलग सा अनुभव होता है। वो अनुभव उस आर्टिस्ट को लेने दो। आपने कहीं से और से पढ़ा तो वो पैसा जो है वो उसके पास नहीं जा रहा, उसको सपोर्ट चाहिए। वो आपके ऊपर ही चलता है, तो उसे सपोर्ट चाहिए कि जिससे कि वो ग्रो कर सके, ताकि वो और अच्छा काम कर सके। तो उसको मैं आपसे ये बोलूँगा, इंडिया में ट्रेड बहुत, एक ये शायद बहुत बड़ा रीज़न है कि शायद सब बच्चे बड़े हो गए जो 90s में 2000 में थे, सब बच्चे बड़े हो गए। गलत है, बच्चे कभी बड़े नहीं होते, अपने अंदर का बच्चा हमेशा बच्चा रहने। तो मैंने न्यूयॉर्क US में कॉमिक कॉन्स में देखा, 60-70 साल के बुढ़े आते हैं कि नहीं आई लव, वो कॉस्ट्यूम्स में आते हैं सुपरमैन के, स्पाइडरमैन के। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को बचपन से फील करते आए, जीते आए। जब वो एक इंसान, आपने भी जिया भेड़िया को ये समझ के जिया कि यार ये शायद हमारे साथ रहता है, ऐसा कुछ बना के रखो अपने दिल के अंदर हमेशा कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे से कनेक्टेड है। तो उस ट्रेड को मत, कभी मत मरने दो। इंडिया में जो ट्रेड मर गया है उसको जिंदा करो। आप लोग कर सकते हो, आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट, अपने बच्चों को लाके दोगे तो वो कॉमिक पढ़ेंगे। बच्चों को बताओगे कि ऐसी कोई चीज़ है, कॉमिक बुरी चीज़ नहीं है, कॉमिक एक अच्छी चीज़ है। लिटरेसी बढ़ी उस टाइम में 90s में, तो कॉमिक को वापस से लेके आओ इंडिया में। मोबाइल ही सब कुछ नहीं है आज की डेट में। अब जो इस टाइम से मोबाइल में 24/7 आप नहीं बिता सकते, बच्चों कॉमिक दो, अपनी कॉमिक निकाल के दो, कहीं और से लेके आओ, फ्रेंड्स से हैं, अभी घर नहीं जा सकते लॉकडाउन में, उसका पालन करें, घर के अंदर रहें। तो कॉमिकों को बार बार पढ़ें, मैं भी करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। एक तरीके की फीलिंग आती है कि नहीं यार ये काम हमने किया, या ऐसा काम हम करते थे और अब आगे क्या करने वाले हैं। तो वो चीज़ जिंदा रहती है, ट्रेड जिंदा रहता है, ट्रेड कभी मरना नहीं चाहिए। बहुत, अगर ट्रेड मरता है तो ये बहुत गलत बात है। तो मैं आप सबसे बोलूँगा, जितने लोग सभी मेरा वीडियो देखेंगे, आज से प्लान करो, कॉमिक पढ़ो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ो, अब तो एडवांटेज है, आप कॉमिक्सोलॉजी पे या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जाके पढ़ सकते हो, आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, डायरेक्ट इश्यूज मिलते हैं। तो वो लो, पढ़ो। दो आई एम ए बिग टाइम फैन ऑफ बैटमैन, बट एक इंडियन एसेंस जो होता है, इंडियन कॉमिक जो है, वो अपना एक अलग टेस्ट लेके चलता है, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि उसको भी सपोर्ट करो, इंडियन कॉमिक्स, जिससे कि इंडियन कॉमिक्स ऊपर आए वापस से। हम लोग ही सपोर्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि और कोई नहीं करेगा। सॉरी, एक प्रयास कर रहा हूँ, प्रिंट तो अभी नहीं करूँगा, बट ठीक है, आपको मैं कुछ ऐसा दूंगा जो बहुत सालों बाद अच्छा लगेगा। तो सपोर्ट करना, शेयर करना, लोगों के साथ शेयर करना, तो वो शायद और अच्छा कर ले। एंड इसी के साथ मैं आप बोलूँगा थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर रीडिंग माई कॉमिक बुक, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मतलब अगर आज मैं इस लेवल पे आ पाया, मैं सोच पाया, तो आप लोगों ने मेरे को बनाया, आप लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया, मेरे काम का अप्रिशिएट किया, तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो मैं तो 30 साल बिता लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, आ रहे हैं, उन सबको भी अप्रिशिएशन चाहिए। कॉमिक बुक पढ़ो, खूब पढ़ो, और बच्चों को पढ़ाओ, और सबको बोलो कि कॉमिक बुक पढ़ो यार, इससे कोई बुरा नहीं होता, आँख ख़राब नहीं होती, दिमाग बढ़ता है, नॉलेज, एक फैंटेसी जो है वो आपको एक प्योर उसमें मिलती है। मतलब एक तरीके से कह लो कि फुल ऑफ फैंटेसी होती है कॉमिक बुक, उसमें एक्शन होता है, फैंटेसी होती है, हर एक चीज़ होती है, तो खुशी मिलती है कि यार क्या कर रहे हैं। बस इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।